जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं अलग अलग शहरों की, क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, आप मथुरा में मौजूद हैं इस वक्त, कृष्ण जन्मभूमि में क्या तैयारियां हैं दिखाएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा संतोष कृष्णानी हमें उज्जैन से मिल रहे हैं सीधे लाइव, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वो कहां पर मौजूद हैं। और नीतीश गर्ग हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं, वो भी दिखाएंगे आपको कि कहां से वो किस मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मथुरा लिए चलते हैं, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण की बात हो, मथुरा नहीं गए तो फिर क्या ही गए। अमृत बता दीजिए कि क्या तस्वीर, क्या रंग, क्या नज़ारा, क्या उत्साह, क्या भक्ति है मथुरा की गली गली में। विवेक देखिए, आज का जो दिन है वो ब्रजभूमि देखने के बाद मुझे जो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अंदाजा हुआ कि यह देश इतना जीवंत क्यों है। देखिए, हम यहाँ 5291वां जन्मदिन प्रभु कृष्ण का जो है हम मना रहे हैं, और उसके लेकर के जो बेकरारी है, जो दिलचस्पी है, जो भक्ति भाव है, वो लोगों में मुझे देखते हुए मिला। यहाँ पे हर तरफ, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पे एक जश्न जो है माहौल तब्दील हुआ पड़ा है। लोग जो है 3 से 4 किलोमीटर दूरी से पैदल चले आ रहे हैं, जा रहे हैं, झूमते हुए, मस्त जो है गाना गाते हुए, गीत गाते हुए और नाचते हुए चल रहे हैं। अभी जो है विवेक, मैं जहां खड़ा हूं, ये जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण के। आज ही के दिन वो जो यहां पे वो पैदा हुए थे, और यहीं से कुछ दूरी पे कारागार है जहां पे पुलिस जो है इंतजाम किए। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो थोड़ा वो रास्ता दिखाएं उधर से। यहां बहुत ही अच्छी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल अमृत, तस्वीर हमें दिख रही है लगातार, अमृत हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ साथ वहां पर क्या नजारा ये भी दिखा रहे हैं। संतोष जरा चलते हैं, उज्जैन में खास तैयारियां की गई हैं। संतोष जरा बताइए, उज्जैन में क्या रंग दिख रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव के? बिल्कुल, आज पूरी तरीके से अवंतिकापुरी जो है काना की नगरी है, यहाँ पर गुरु शांतिपनी आश्रम में पूरा मथुरा और वृंदावन जैसा ही नज़ारा दिख रहा है। आप देख रहे, कतारबंद होकर लाखों श्रद्धालु सुबह से ही भक्त जो है कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और सभी के हाथ से ही पुकार आती है कब हमें दर्शन होंगे, इसीलिए बारी बारी से वो इंतज़ार करते हैं कि कान्हा हमें दर्शन दे, जिससे हम अद्भुत तरीके से नजर ही दिखा रहे हैं। आप देख रहे भक्त हैं, और भक्त के खुश मना रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार है कि कब रात्रि 12 बजे, और रात्रि 12 बजे हम कब कान्हा का जन्मोत्सव होते हुए देखे। एक उत्साह का माहौल यहाँ पर छा जाता है। पंडित जी हमारे साथ है, पंडित जी जन्मोत्सव बड़ा ही हर्षोल्लास से तो मनाया जा रहा है, ये कौन सा वर्ष है, कितने साल के आज होगा कान्हा? ये हमारे जो हम लोग सांदीपनी वंश परंपरा में है, भगवान कृष्ण जब से आए थे जो आज तक भगवान यहाँ पर 11 साल 7 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे, तब से लेके आज तक 5267वां वर्ष अभी रनिंग में चल रहा है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सब आनंद ले रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं जन्माष्टमी का, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कुछ देर पहले ही विस्तार न्यूज़ के कैमरे में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को कैद किया था, किस प्रकार आपने उनको पूजा अर्चना कराई है, और किस प्रकार वो ना यहाँ पर भक्तिमय माहौल दिखाई दिया? ये क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं, वो सीधे मथुरा गिरिराज जी से वो यहाँ पर पधारे थे, उनकी एक मंशा थी कि गिरिराज जी का प्रसाद सांदीपनी आश्रम में भी दिया जाए, तो सीधे क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है, वो उज्जैन में आने ही वाले थे, उन्हें सांदीपनी आश्रम में जाके मैं सीधा पहले ठाकुर जी के धोख दूंगा, तो उन्हें यहाँ पर आया, सब पत्नी पधारे, अपने बच्चे के साथ भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर आरती पूजन करी है, और अपने पूरे देश के भविष्य के लिए, पूरे प्रदेश के भविष्य के लिए उन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना की। संतोष लौट आए आपके पास। संतोष, हमें पंडित जी से बात करके बता रहे हैं क्या विशेष संयोग और ये खास दिन है। हम नीतीश गढ़ की तरफ चलते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप रायपुर में कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या रंग है जन्माष्टमी के, दिखा दीजिए। बिल्कुल विवेक, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैतू साव मठ में, और जरा प्रतिमा को देखिएगा। प्रतिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, माता जानकी की, और इसके साथ ही उनके छोटे भाई भगवान लक्ष्मण की, लेकिन तीनों को ही किस रंग में रंग दिया गया है, उनके ही अवतार कृष्ण के रंग में रंग दिया गया है। हाथों में तीर धनुष तो है, लेकिन साथ में जो है मोर मुकुट रख दिया गया है। नीचे देखिए, तमाम जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप हैं उन्हें भी सजा दिया गया है। मुरली लिए भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे होंगे। आज़ादी के योगदान में स्वयं महात्मा गांधी भी इस मठ में आए थे। ये मठ बेहद प्रसिद्ध मठ है, और इसीलिए इस मठ पर हम पहुँचे, और तमाम ये तस्वीरें देखिए किस तरह से खूबसूरत। यहाँ पर बहुत बड़े आयोजन की तैयारी की गई है 8 बजे से,
उससे पहले मैं यहाँ के आयोजन समिति के सदस्यों से बात कराऊँ, उससे पहले ये देखिए भगवान कृष्ण और माँ राधा की ये जो मूर्ति है कितनी खूबसूरत तरीके से सजी हुई है, और मंदिर प्रांगण देखिए कितना सुंदर मंदिर प्रांगण है ये। इसकी सुंदरता की बात ही अनोखी है, निराली है, और बहुत हजारों की संख्या में तमाम लोगों के आने का इंतजार है और थोड़ी ही देर में लोग पहुंचेंगे। यहाँ मंदिर प्रबंधन के सचिव हैं, उनसे बात करेंगे कितने बजे से लोग आएंगे, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारियां की हैं। जी, मैं महेंद्र कुमार अग्रवाल, सचिव। अभी 8 बजे संध्या आरती होगी, संध्या आरती के बाद ये गेट बंद हो जाएगा और भगवान को नया वस्त्र और नया अलंकार स्वर्ण भूषण से सजाया जाएगा, तो वो 12 बजे ठीक नींद इसका गेट है वो खुलेगा। कितने भक्तों के आने की उम्मीद है, क्या प्रबंधन है, क्या तैयारी? हम उम्मीद करते हैं कि भगवान का प्रागट्य उत्सव जिस समय होगा उस समय कम से कम 2-2.5 हजार लोग ये मंदिर प्रांगण में रहेंगे, और यहाँ तो करीब 500-700 लोग ही खड़े खड़े, काफी धक्का मुक्की होता है जिस समय आरती होता है। तो ये आप देखिए किस तरह से यानी कि तैयारियां की गई हैं और भव्य रूप भव्य रंग में नजर आ रहे हैं, और जन्मोत्सव की जो तैयारी है बेहद सुंदर ही तैयारी है, और प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर तो लग ही रहा है कि आज हमारे बाल गोपाल कितने भव्य दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बात है कि आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पूजन की अगर बात हो, जन्मोत्सव की अगर बात हो, तो जरा पूजन को आपको विस्तार से बता देते हैं। विस्तार न्यूज है, इसलिए आपका हर ख्याल रखा जाता है जब आप पूजन करने वाले हैं कुछ घंटों बाद, तो कैसे आपको पूजन करना है ये भी आपको बता देते हैं। एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं साफ सुथरी, उसके बाद पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक और फूल रखें, क्योंकि अपने बाल गोपाल का आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस है, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पूजा भी उसी विधि विधान के साथ होना चाहिए। भोग के लिए पंचामृत बनाएं, पंजीरी बनाएं, मिठाई या फल रखें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराएं लड्डू गोपाल को, जो लड्डू गोपाल आज भक्ति भाव में उनके दर्शन के लिए लोग ओतप्रोत हैं। गंगा जल से पुनः लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। तो ये पूजन कैसे करना है ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन लगाएं, साफ वस्त्र उन्हें पहनाएं, मुकुट और हाथ में बांसुरी सजाएं, और फिर आरती करें अपने नंदलाला की, यशोदा मैया के पुत्र, अपने बांसुरी धारक प्रभु श्री कृष्ण की, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि उनकी कृपा अगर बनी रहेगी तो ये सृष्टि का संचालन भी होता रहेगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जब पूरा देश कृष्ण भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आम क्या खास,